इस देश का परम सत्य यही है और इस देश को इसी तरह से बचाया जा सकता है। कल जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक एकता की मिसाल देखिए, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। जहांगीरपुरी में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाए तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तिरंगा ही है जो हम सबको जोड़ता है, ये तिरंगा ही है जो हम सबको बांधता है। मगर आप जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या थी? वही न्यूज चैनल्स जो जहांगीरपुरी के नाम पर झूठी खबरें परोस रहे थे, समाज के अंदर दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, कल वो इस खबर पर भी टिप्पणी कर रहे थे। इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर पेश कर रहे थे। आज न्यूज चक्र में सिर्फ इस खबर की चर्चा नहीं होगी, इस खबर की भी चर्चा होगी कि नकली और फर्जी गौ भक्तों के नाम पर समाज के लोगों में किस तरह से डर पैदा किया जा रहा है। और आज मैं प्रधानमंत्री का एक नारा, उनका एक बयान आपको सुनाना चाहूंगा जो एक करारा तमाचा है ऐसे फर्जी गौ भक्तों को लेकर, जिन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। मगर सबसे पहले एक बार फिर उन तीन तस्वीरों को देखिए, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों। कल जहांगीरपुरी में हमें यह नजारा देखने को मिला। वाकई यही तस्वीर है जिसका एक सिरा पकड़कर यह देश आगे बढ़ सकता है, वरना हुक्मरानों ने, सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये मन बना लिया है कि हम में जितना ज्यादा बंटवारा हो उतना उनकी रणनीति के लिए, उनकी सोच के लिए बेहतर है। मगर सबसे ज्यादा हास्यास्पद रहा जब न्यूज चैनल्स उस पर टिप्पणी कर रहे थे। न्यूज चैनल्स क्या कह रहे थे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर टाइम्स नाउ, नव भारत, जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। अब तुम्हें हिंदू मुस्लिम की एकता की याद आ रही है? बताओ। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर इनका एक पत्रकार है, आपको याद होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए थे, वो एक जेसीबी पर सवार हुए थे और इसको लेकर जहांगीरपुरी की जनता को यह व्यक्ति, इनका पत्रकार जो है वो ताना मार रहा था, कह रहा था कि कहीं इस बुलडोजर को लेकर बोरिस जॉनसन जहांगीरपुरी ना पहुंच जाएं। कानून की किस तरह से धज्जियां जहांगीरपुरी में उड़ाई गई, इन पत्रकारों ने उस पर सवाल नहीं किया। इन्हीं की चैनल की एक और पत्रकार देखिए, इन्हें हंसी आ रही थी कि बुलडोजर जो है जहांगीरपुरी की गरीब और बेबस जनता पर चल रहे हैं। ये कह रही थी कि बुलडोजर्स का निर्माण अब भारत के अंदर होगा या हम विदेशों से बुलडोजर्स जो हैं वो आयात करेंगे। और फिर इनकी वाहियात और अश्लील स्माइलीज देखिए, किस तरह से खिलखिलाकर हंस रही हैं। अन्य न्यूज चैनल्स भी साहब कल सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश कर रहे थे। जी सलाम, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों को हिंदू और मुस्लिम समाज ने बड़ा संदेश दिया। यहां शाम 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तरह की सामाजिक एकता की मिसाल तो न्यूज चैनल्स को देना चाहिए ना, आपके संपादक को देना चाहिए जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया मैं समझना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इन न्यूज चैनल्स ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1957 साफ तौर पर कहता है कि जब आप मकान ढहाते हैं, किसी अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, तो वहां रहने वाले लोगों को पहले आपको बतलाना पड़ता है और उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो साफ तौर पर कहता है कि जब आप कोई मकान तोड़ते हैं जो अवैध भी हो, तो पहले आपको उन लोगों का पुनर्वास करना चाहिए। क्या आपने ऐसा किया? क्या न्यूज चैनल्स ने संदेश दिया? अब देखिए साहब, आज तक दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं इसी न्यूज चैनल की दोस्तों। इनके एक एंकर बहुत खुश हो रही थी कि देखिए मस्जिद ढहाया जा रहा है, जूस कॉर्नर ढहाया जा रहा है, बुलडोजर के आगे कोई नहीं रुकने वाला है। मगर जब ये जनता से बात करने पहुंचती हैं तो जनता उनसे कहती है, मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है,
बुलडोजर पर पाबंदी लगाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, बंद करो बुलडोजर। ये बात जनता उस पत्रकार को याद दिला रही है जबकि उस पत्रकार को यह बात कहनी चाहिए थी। फिर एक दूसरा व्यक्ति उनसे कहता है कि मैडम हम हिंदू मुस्लिम यहां पर एकता में रह रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं समझती। जनता जब उनको ये आईना दिखाती है तो फिर देखिए किस तरह से वो भागती है। देखिए वीडियो का क्लिप। आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कूद और फोड़ हो रहा है हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू है ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं, पूरा रोजगार गया है मैडम यहाँ पे, सारे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। उसी तरह से जी न्यूज साहब, जहांगीरपुरी में आई सुखद तस्वीर, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा, गले मिलकर दिया शांति का संदेश। मैं यही तो समझना चाहता हूं इस चैनल से, यहां जब तुमने ये तस्वीर देखी तो प्राइम टाइम में जहर उगलने का काम क्यों करते हो, भ्रामक खबरें फैलाने का काम क्यों करते हो। और अब एबीपी न्यूज, जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इनकी एक एंकर हैं, क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन्स पर। जेसीबी जॉनसन बचना अतिक्रमणकारियों, लो मैं आ गया। इस वक्त ना किशोर कुमार जिंदा हैं और ना ऋषि कपूर जिंदा हैं। आप जानते हो गाना था बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, दोनों की आत्मा को तकलीफ पहुंच रही होगी। इतना मस्त और प्यारा गाना और आप उसे जोड़ रहे हैं बुलडोजर के साथ। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, इन लोगों के अंदर जो है ना, इन पत्रकारों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये लोग अपने परिवार का कैसे सामना करते हैं जब इतना जहर आए दिन ये लोग प्राइम टाइम में या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इसका प्रचार प्रसार करते हैं। न्यूज 18 के एक पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है क्योंकि उसने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया था। उसने कहा था कि जहांगीरपुरी के जवाब में राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर जो है वो ढहा दिया गया, जबकि जहांगीरपुरी की घटना हुई थी 20 तारीख को और वो मंदिर की घटना दो दिन पहले हुई थी और उस मंदिर को ढहाने का आदेश भी उस नगर पालिका द्वारा दिया गया जिस नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा है। यह न्यूज चैनल्स ने आपको नहीं बताया, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। जब ये लोग जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक एकता की ये मिसाल जो इसका आप देख रहे हैं, जब इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे क्यों कोफ्त होता है, मुझे क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इन्होंने किस तरह का जहर जो है वो चलाया था जहांगीरपुरी और अलवर के नाम पर। देखिए, जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला, झूठी खबर। जहांगीरपुरी में विध्वंस, अलवर में विकास, झूठी खबर। इफ्तार का आयोजन, मंदिर में थोड़फोड़, यानी कि इफ्तार अब गुनाह हो गया इस देश के अंदर, उसे आपने जोड़ दिया अलवर के साथ। हिंदुओं को दबा रही है कांग्रेस, आगे देखिए। रिपब्लिक भारत, जहांगीरपुरी से प्यार, अलवर दरकिनार, अलवर का गजनवी कौन, जी न्यूज। ये न्यूज चैनल्स दोस्तों ये सब कचरा चला रहे थे खबरों के नाम पर। इसलिए जब जहांगीरपुरी से सांप्रदायिक एकता की मिसाल सामने आती है और जब तुम ये टिप्पणी करते हो, उस टिप्पणी करने से पहले मेरी ये मांग है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अपने नफरती एजेंडे के लिए, क्योंकि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे इस तरह की खबरें चलाने का कोई फायदा नहीं है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। आज न्यूज चक्र में दूसरी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उस खबर को बताने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने आज से कुछ सालों पहले गौ भक्तों के बारे में क्या कहा था, खासकर वो गौ भक्त जो गाय रक्षा के नाम पर जहरीला प्रचार प्रसार करते हैं, गुंडई करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं,
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकल। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर हुंडई कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मेवात में एक गौरक्षा दल बनाया गया है। यह गौरक्षा दल लोगों में जाकर आतंक फैलाने का काम कर रहा है, उन्हें डरा रहा है, पिस्तौल दिखा रहा है। अब वो पिस्तौल प्लास्टिक की है, वो असली है मैं नहीं जानता हूं, मगर लोगों में डर पैदा करने का काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और ये कौन पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम में, आपको बताता हूं। आपको याद है जामिया के अंदर इस राम भक्त गोपाल ने गोली चलाई थी, इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर इस तरह का जहर जो है वो डाला जा रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर पूरी तरह से खामोश है। कायदे से जो प्रचार ये डाल रहा है इस पर पुलिस का केस होना चाहिए, मगर पूरी तरह से खामोश है वहां की पुलिस। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने खबर डाली है, राम भक्त गोपाल अपलोडेड अ वीडियो ऑन हिज इंस्टाग्राम वेयर पीपल इन कार टेरराइजिंग यंग गर्ल्स एंड किड्स बाय शोइंग गन्स। द वीडियो कैप्शन रीड्स गौ रक्षा दल मेवात रोड हरियाणा। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को, लड़कियों को पिस्तौल दिखाई जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। यह काम हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है। अब एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं। यहां एक आदमी को उठाकर ले जा रहे हैं दोस्तों। यह वीडियो भी उसी सो कॉल्ड रामभक्त गोपाल ने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो एक आदमी को उठाकर ले जा रहे हैं और उसे गौ तस्कर बता रहे हैं। ये काम क्या इनका है और फिर उन्होंने इसके साथ क्या किया होगा? हमारे पास क्या प्रमाण है कि वो गौ तस्कर है? और अगर वो गौ तस्कर है तो ये काम कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। क्या इस तरह से आतंक फैलाया जाएगा? अब फिर याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले क्या कहा था, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा कि गौ रक्षा के नाम पर इस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो आप में से कई लोग नहीं समझेंगे। मगर प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसे तो आप समझते हैं कि नहीं, बताइए। गाय राम ये हमारे लिए बहुत पवित्र शब्द हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, इनके प्रति हमारी श्रद्धा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसे आतंक का पर्याय बना रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि साहब मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं भी ये कहता हूं, अगर आपको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो आपको ना सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार है और ना पूजा कीर्तन करने का अधिकार है, ना जगराते करने का अधिकार है। अगर आपको प्रशासन ने अधिकार या इजाजत नहीं दी है तो, अगर प्रशासन ने आपको इजाजत दी है तो मैं कौन होता हूं आपको ज्ञान देने वाला। मगर मैं कुछ और कहता हूं, अगर प्रशासन ने किसी को इजाजत दी है तो क्या वहां पहुंचकर आपको अपने धार्मिक नारे लगाने चाहिए, या वहां पहुंचकर आपको गोबर के कंडे डाल देने चाहिए और यह कहना चाहिए कि नहीं साहब ये तो हमारे धर्म में है, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो जय श्री राम के नारे लगाएंगे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि यह मेरी धार्मिक आजादी है। नहीं, यह धर्म नहीं है। फिर तुम उसे चिढ़ा रहे हो, उसे ताना कस रहे हो, उसे उंगली दिखा रहे हो, वो धर्म कैसे हो सकता है, बताओ ना मुझे। मेरा हमेशा से मानना है कि धर्म एक निजी मुद्दा है, हम उसे अपने गिरजाघरों में करें, अपने मंदिरों के अंदर करें, मस्जिदों के अंदर करें, उसका सामूहिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मगर जब आप हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ताना देना है, या आप जय श्री राम के नारे इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको मुस्लिम को ताने देने हैं, या फिर आप अल्लाह अकबर का नारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर बैठे व्यक्ति को आपको ताना देना है, तो वो धर्म नहीं रहा, वो धर्म कतई नहीं रहा, क्योंकि फिर वो हरकत आपको दिली सुकून नहीं देती,
आपको हृदय में दिल में शांति नहीं देती। और धर्म का मकसद है कि वो हम सबको दिल में शांति दे, सुकून दे। मेरी इन बातों को समझिए, नथुने मत फुलाइए अपने, गुस्सा ना हो। इस बात को समझिए कि धर्म के क्या मायने हैं, खासकर हिंदू धर्म जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आप उद्धव ठाकरे को चिढ़ाने के लिए या दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, या दूसरी तरफ आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, तो साहब वो धर्म नहीं रहा, फिर वो कुछ और हो गया है। और वो क्या है वो आप ही जाने। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।